स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पढ़ाई गिरी के इस सेशन में आप पढ़ोगे लाइट के बारे में। आइए देखते हैं लाइट क्या है। आप सोचो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बोर्ड क्यों दिख रहा होगा, और आप ऐसा फर्ज कर लो कि जितनी भी रोशनी है इस कमरे में एकाएक वो कट जाती है, चली जाती है। आप सोचो ये बोर्ड ना आपको नहीं दिखेगा, मैं भी आपको नहीं दिखूंगा, पेन नहीं दिखेगा, डस्टर नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि दिख क्यों रहा है ये सब कुछ, बिकॉज ऑफ लाइट। देखिए ये पेन आपको कब दिखता है, जब रोशनी यहाँ से आती है, टकराने के बाद इस पेन से टकराने के बाद वापस आपकी आंखों तक पहुँचती है, तो ये पेन आपको दिखता है। ये पेन मुझे क्यों दिख रहा, क्योंकि रोशनी हर जगह से, कमरे के हर जगह से यहाँ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद मेरी आंखों पे आ रही है। इसका एक इमेज बनता है हमारी आंखों पे, और ये हम लोग पढ़ेंगे इमेज कैसा बनाएगा ये, ठीक है। किस तरह का इमेज बनता है, हमारी आंखें कैसी इमेज बनाती हैं, इन सभी चीज़ों को आप जानेंगे बहुत डिटेल्ड वे में और बहुत अच्छे से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 8th में इसे ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लास 10th का ये सेशन है। तो कुछ बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी फंडामेंटल्स डेवलप कर रखी होंगी आपने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल से शुरू करके और आपको ऊपर तक लेकर जाऊँ, और 11th 12th का ये बेस बनेगा आपका, ठीक है। 12th में बहुत डिटेल वे में आपको फिर से पढ़ना है लाइट। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं लाइट का डेफिनेशन। आप लाइट का डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, देखिए पहले तो आप एनर्जी को डिफाइन करो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में एनर्जी टर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि फिर एनर्जी कहाँ से आया, लाइट कहाँ से, तो इसलिए आप पहले एनर्जी को डिफाइन करो। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है, मैंने खाना खाया है। आप देख रहे हो वीडियो क्योंकि आप खाना खाकर आए हो, ठीक है, या खाए हो, रात में खाया था, सुबह का नाश्ता किया था। आप देख लो एक दिन खाना नहीं खाते हो तो थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो आपको काम करने की क्षमता दे वही एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप देख लो। फिलहाल तो एक लाइट एनर्जी जो आपको दिख रहा है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप बाहर जाते हो धूप में तो आपको सोलर एनर्जी मिलता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओसिनिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आप डेवलप करते हो हाइड्रो पावर से, थर्मल एनर्जी, तो बहुत तरह की एनर्जी होते हैं, ठीक है। उन्हीं एनर्जी में लाइट, साउंड आप आगे चलकर पढ़ोगे, तो लाइट एक पार्ट है उसका। तो लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो आपको देखने की क्षमता प्रदान करता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप ऐसा मान लो कि इस कमरे में रोशनी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। ये जिस कमरे में आप ही बैठे हो वहाँ एकाएक पूरा डार्क, कंप्लीट डार्क हो जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट ही है जो आपको देखने में, देखने की काबिल बनाता है, जो आपको देखने की क्षमता देता है। लाइट नहीं तो ह्यूमन आई का फिर कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। अब लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, और उन्हें एक एक करके आप देखोगे। प्रॉपर्टीज क्या होंगे लाइट के, सबसे पहला इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, आपको यही मानकर चलना है अभी भी और आगे भी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लो अब मान लेना कि स्ट्रेट लाइन है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस सेशन में या आप आगे लाइट को जब भी पढ़ोगे, 10th में 11th में थोड़ा सा इसका वेव फॉर्म पढ़ना है, और 12th में आप और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ोगे, तो हमेशा आप कंसीडर करना कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट को आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हुए देखना है, या यही मानना है लाइट को हमेशा आप लेफ्ट टू राइट लोगे। इस चीज़ को हमेशा आप जहन में बसा कर रखना, और ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आप देखोगे, मिरर जो होता है मिरर के हमेशा लेफ्ट में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि लाइट आपको ऐसा कंसीडर करना है कि लेफ्ट टू राइट चलता हुआ देखना है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स अ शैडो। लाइट शैडो बनाता है, ठीक है। अब चलो यहाँ तो रोशनी अलग तरह से है तो शैडो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देखना कि लाइट का एक सोर्स आप रख लो यहाँ पे, ये टॉर्च है, पूरा कमरा डार्क है, और ये टॉर्च मेरे हाथ में, यहाँ मैंने अपने हाथ को रखा। आप अगर टॉर्च को आगे पीछे करोगे तो देखोगे आपके हाथ का जो इमेज है वो वॉल पे बनेगा, और आपकी आपके हाथ का जो साइज है, दैट मीन शैडो जो बनेगा वो शैडो बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है। आप उसे टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है ये सोर्स को आप किस तरह से मूव कराते हो, ठीक है। और आप ये बताओ कि शैडो कैसे बनता है। आपने देखा शैडो तो बन गया, शैडो होता क्या है, शैडो इज अ डार्क इमेज। एक डार्क इमेज होता है, या एक डार्क फोटोग्राफ आप कह लो, एक डार्क सरफेस आपको वहाँ पे अपीयर होगा। कब, व्हेन लाइट का जो पाथ है उसे एक ओपेक ऑब्जेक्ट,
ओपेक आप जानते हो, एक ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? देखो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिनमें से लाइट ट्रेवल करे, एंटर करे और कंप्लीटली बाहर आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ओपेक, जिसमें लाइट आप जब दोगे, जैसे एडस्टर, आप लाइट अगर यहाँ पे दोगे भी तो उधर कंप्लीट निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक बीच का भी होता है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जो लाइट को जाने भी दे, नहीं भी जाने दे। जैसे ग्रीज्ड पेपर, आपके पेपर पे कभी कभी आप समोसा खा लेते हो तो आप देखोगे पेपर के आर पार, पेपर के उस पार की चीज़ें आपको दिखने लगती हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। और ट्रांसल्यूसेंट और भी बहुत सारे सर्फेसेस होते हैं। तो आपको ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना है। ट्रांसपेरेंट आप पढ़ोगे लेंसेस, जो आगे पढ़ेंगे, और ओपेक आप पढ़ोगे जब शेडो बनेगा, मिरर को आपको ओपेक ही लेकर चलना है। तो आइए, पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा लाइट फॉर्म्स अ शेडो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल्स विद इमेंस स्पीड, इससे ज्यादा तेज चलने वाला पार्टिकल अभी तक डेवलप किया ही नहीं गया है। इससे ज्यादा तेज चलने वाली कोई भी चीज, लाइट सबसे फास्ट चलती है, कितने स्पीड से? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 300,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। 300,000 किलोमीटर, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो आप इस फॉर्म में जब किसी चीज़ को लिखते हो तो इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, और इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो तो ये हो जाएगा 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 300,000 प्रति घंटा के रफ्तार, प्रति सेकंड के रफ्तार से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता सिवाय लाइट के, ठीक है। यही रीज़न है कि सन से चलने वाली किरणें जो हैं वो आप तक सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है। आप सोच लो लाइट बहुत तेज चलता है। तो आपने तीन प्रॉपर्टी देखी, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा शेडो बनाता है, तीसरा आपने देखा उसकी स्पीड फास्टेस्ट, चौथा प्रॉपर्टी आप देखोगे रिफ्लेक्शन, पांचवी प्रॉपर्टी आप देखोगे रिफ्रैक्शन, और छठी प्रॉपर्टी आप देखोगे पार्टिकल नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर सुनकर आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना, ठीक है। अब देखते हैं पार्टिकल नेचर क्या होता है। अब देखो पार्टिकल के जैसे ही बात आए, आप देखो टेनिस बॉल तो हर कोई जान रहा है, टेनिस बॉल समझते रहो ना जो खेलते हो। तो आप मानो कि कभी कभी मूवीज वगैरह में भी देखते हो जब बच्चा अपसेट होता है तो एक कोने में बैठ जाता है और दीवार पर इस तरह से बॉल इस तरह से मारता रहता है, फिर कैच करता रहता है, मारता है, बॉल वहाँ जाता है, टकराती है दीवार से और फिर वापस हाथ में, ऐसे आप खेल रहे हो। तो आप कंसीडर करो, जब भी पार्टिकल नेचर की बात आएगी आप वही टेनिस बॉल कंसीडर कर लेना। अब आप सोचो ये एक दीवार है बेटा, सिर्फ इसे आप लाइट तो लेना ही नहीं, आप मानना कि ये एक टेनिस बॉल है। आप टेनिस बॉल को यहाँ से यहाँ मारते हो, आपको इसी पॉइंट पर मारना है। टेनिस बॉल को मैंने हाथ में इस तरह से दिया और इस तरह से यहाँ मारा, तो आप सोचो ये गेंद अगर इस तरह से ट्रेवल करे तो बताओ किस डायरेक्शन में जाएगी। आपने देखा गेंद जब यहां टकराएगी, या प्रैक्टिकल लाइफ से आप समझ पाओगे कि गेंद ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और खैर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आगे पढ़ेंगे। तो गेंद यहां से निकली है और यहां जाएगी टकराकर, और टकराने के बाद यहां वापस आपको गेंद मिल जाएगी, ठीक है। सॉरी मतलब यहाँ पे गेंद है आपकी, ठीक है। तो ये है पार्टिकल नेचर। आप जब भी लाइट के बारे में पढ़ोगे तो आप उसे एज अ पार्टिकल कंसीडर करना, अप टू क्लास 10th, ठीक है। आगे के जो थ्योरीज हैं वो थोड़े से वैरी करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर आप समझना और इसे याद रखना बेटा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इससे मैं एक छोटा सा थ्योरी डेवलप करता हूँ। आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये है नॉर्मल। अगर क्लास 8th याद होगा तो नॉर्मल क्या होता था? नॉर्मल जो मिरर होता था, मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। मिरर पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। अब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये अगर आप इसे रे कंसीडर करोगे, इस टेनिस बॉल का जो पाथ है उसे आप अगर रे कंसीडर करोगे तो ये आपका इंसिडेंट रे हो जाता था, इंसिडेंट रे। और
मिरर अगर आप इसे कंसीडर करोगे, ये पहले दीवार हमने कंसीडर किया था, दीवार और ये गेंद, इस बार हम लोग इसे इंसिडेंट रे और इसे मिरर कंसीडर कर रहे हैं। तो मिरर के साथ जैसे ही रे टकराता है तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, वो एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आप स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसे लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे आप देखो ये वाला एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे आप देखो, अब वहां से गेंद टकरा गई दीवार से, वापस जाएगी, तो वापस जाने वाला जो रास्ता है इसे आप कंसीडर कर लो रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप इसे रिफ्लेक्टेड रे कंसीडर करोगे तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना आसान था। ठीक है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की जब भी बात आए तो आप बस यही कंसीडर करना कि एक टेनिस बॉल हमने फेंका है, जिस पोजीशन पे आपको फेंकना हो। आगे देखो, तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, पहला प्रॉपर्टी क्या था आपने देखा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखा, इट फॉर्म्स अ शैडो। तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन होता है। चौथी प्रॉपर्टी आपने देखा रिफ्रैक्शन होता है। फिर आपने देखा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, आपने उसकी स्पीड के बारे में भी जाना कि लाइट सबसे फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल है। पार्टिकल समझ रहे हो ना, अब पार्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इसे टेनिस बॉल कंसीडर करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आप बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन तो आपने देखा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप कंसीडर करो ये एक मिरर है, मिरर के पता है इस पार्ट को आप पॉलिश कर देते हो। ठीक है, पॉलिश क्यों करते हैं, क्योंकि आप सोचो कि ग्लास है, ग्लास अलग चीज है, मिरर अलग चीज है, ग्लास को ही मिरर बनाते हैं। कैसे, ये अगर ग्लास है इसके आर पार आप देख पाते हो, ट्रांसपेरेंट है, इसके इस पार्ट को आप पेंट कर दो और पेंट भी बहुत स्मूथ या बहुत हाईली रिफ्लेक्टिंग पेंट से किया जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर कलर से आप पेंट कर देते हो, फिर आगे उसको रेड कलर का कोटिंग कर देते हो ताकि लाइट जो जाए ना तो वो उधर निकल ही ना पाए। इसके इस पार्ट को आपको ओपेक करना होता है, ओपेक करने के लिए आप इसको पॉलिश करते हो। तो ये पॉलिश सरफेस को इस तरह से आप इंडिकेट करते हो, ये जो मैंने जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मिक्स ये जो रे खींचा है, ये इस तरह के जो लाइंस मैंने खींचे हैं, ये लाइन आपको दिखाता है कि आपके मिरर का एक पार्ट ये वाला सरफेस ओपेक है। अब लाइट अगर यहाँ से जाता है इंसिडेंट रे, तो ये यहाँ टकरा कर जहाँ भी टकराएगा वहाँ पे इस तरह से रे खींच लेगा। जैसे आप मानोगे नॉर्मल, ये नॉर्मल टू द मिरर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर। अब ये इंसिडेंट रे, यहाँ से आपने पढ़ा कि जिस एंगल से ये यहाँ पे टकराएगा उतना ही एंगल बनाता हुआ यहाँ से वापस जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ वापस आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। तो पहला लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेज के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ये पहला लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सेकेंड आप देखो, सेकेंड आप लॉ क्या पढ़ोगे कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये जो तीनों आप देख रहे हो, जो रे आपने कंसिडर किया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे कहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ये तीनों लाइन मिलते हैं एक जगह, कोई एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे तीनों रेज आपस में मिलते हैं और वो पॉइंट ये है, आप इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हो।
इंसिडेंस का मतलब होता है मिलना, ठीक है, ये तो एंगल ऑफ, आपने पहले देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा देखा लॉ कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखो थोड़ा ये लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसे वीडियो से ही समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आप जानोगे कि मिरर, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं ये, और दोनों मिरर दोनों टाइप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। और देखो आपको क्लास 10th में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आ गया। अब प्लेन मिरर के बारे में जानना है आपको बहुत थोड़ा सा। प्लेन मिरर याद करो, आपके घर में प्लेन मिरर का एग्जांपल, आप जब चेहरा देखते हो अपना सुबह सुबह स्कूल निकलने से पहले, तो वो मिरर प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। अब आप जब अपने चेहरे को देखते हो तो क्या आपका चेहरा थोड़ा बड़ा या छोटा दिखता है ओरिजिनल के मुकाबले? नहीं दिखता, क्योंकि प्लेन मिरर की खासियत होती है, आपके जो भी ड्रेसिंग रूम में जो मिरर लगा होता है वो मिरर होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है, पहली प्रॉपर्टी सेम साइज का इमेज, मेरा चेहरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा, मेरी हाइट जो है वही वहाँ पे दिखने जा रही है। तो पहला प्रॉपर्टी सेम साइज। दूसरा आप देखो, अगर यहाँ खड़े हो बीच में यहाँ पे मिरर है, ऐसे आप कंसीडर करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपने चेहरे को इस मिरर में देख रहा हूँ, तो पता है मेरा इमेज कहाँ बनेगा? अगर मेरे से ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मिरर के बीच की दूरी अगर मान लो 1/2 meter है, ये मिरर है, मेरे से अगर मिरर के बीच की दूरी 1/2 meter, तो मेरा इमेज जो है वो मिरर से 1/2 meter की दूरी पर बनेगा, यहां पे ये मेरा इमेज बनेगा, तो यहां पे मैं खड़ा था, ये मिरर है। अच्छे समझ में आया? मिरर के जितने आगे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उसका इमेज मिरर के उतने ही पीछे बनेगा। सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द मिरर। मिरर के जितने आगे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर मैं, मिरर के आगे मैं खड़ा था, ठीक है, और आपने देखा कि मेरा इमेज जो है वो 1/2 meter आगे है, वो 1/2 meter पीछे बनेगा इमेज, ठीक है। अब आप देखो आगे इसमें और कुछ कुछ देख लेते हैं, आपने पहले देखा, हाँ एक और बात कि इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमेशा इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और ये इमेज वर्चुअल होता है। अब वर्चुअल और रियल तो आप तो किताबों में भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में? देखो रियल इमेज जो होता है वो फिलहाल छोटे से ये से देखते हैं, डिफरेंस से देखते हैं। वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पर कभी आप ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, स्क्रीन पर नहीं ऑप्टेन करने का मतलब कोई स्क्रीन आपको स्क्रीन पर इमेज दिखेगा ही नहीं, वर्चुअल रियल इमेज आपको दिखेगा स्क्रीन पे। वर्चुअल इमेज कभी भी एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ रेज से नहीं बनता, जैसे हम जब भी आप बनाओगे इमेज, आप कंसीडर करो कि ये एक प्लेन मिरर है, और देखते हैं ये पेन अगर आपको दिखाना है तो कैसा दिखेगा, यह मान लीजिए यहाँ पे टेनिस बॉल, ठीक है, चलो ये पेन ही ले लेते हैं, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, ये एक पेन है रखा हुआ। अब आप पेन से दो रेज निकालना इस तरह से, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको पता है ना कि प्लेन मिरर पे जहां पे भी रे गिरेगा वहां पे आपको एक इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर देना होता है। अब दो रेज हैं, एक रे ये, तो इसके लिए ये नॉर्मल, इसको मैं N1 लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल नंबर 1। ये एक और रे गिरा इंसिडेंट रे, इसके लिए एक दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल नंबर 2। अब आप सोचो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ ये जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल बनाता हुआ ये यहाँ से रे वापस हो जाएगा। आपको ये क्यों बता रहा हूँ, रियल और वर्चुअल का डिफरेंस बताने के लिए, तो इमेज को ध्यान से देखना। दूसरा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल बनाता हुआ ये भी यहाँ से वापस जाएगा, और यहाँ से आप देख रहे हो, आप यहीं पे खड़े हो, ये आपकी आँखें, सो
सुंदर सी। आप यहां से देख रहे हो, पता आपको ये पेन कहां दिखेगा? मैंने आपको बताया था मिरर के जितने आगे ये पेन रखा हुआ है उतने ही पीछे आपको यहां भी इमेज बनता हुआ दिखेगा, मतलब लगभग यहां पे इस तरह से। कैसे? तो आप समझ पा रहे हो ये क्या है इमेज या किस तरह से बन रहा है? आपने देखा रे यहां पे जाता है और इस डायरेक्शन में इस तरह से आता है, यहां पे जाता है इस तरह से। आप जब देखते हो तो आपको ये पेन यहां ना दिखकर वहां दिखता है, इमेज वहां बनेगा। कभी ऐसा किया आपने? मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था कि इस तरह से प्लेन मिरर लेता था, घर में जो छोटा सा प्लेन मिरर होता था, और सूर्य की किरणें, सूर्य की जो किरण आ रही होती है सूर्य की तरफ इस तरह से एंगल बनाकर और अपने घर में उसका शेडो बनाता था प्लेन मिरर से इस तरह से। तो लगता था कि सन जो वहां पे है, सन का रे यहां मेरे मिरर पे टकराकर और इस तरह से घर के डार्क वाले पार्ट में पड़ता था। कभी कभी अपने जो भतीजे भतीजी हैं या भैया हैं उन लोगों को मैं परेशान करता था, है ना, इस तरह से मिरर लेकर और उनकी आंखों पर रिफ्लेक्ट करता था इस तरह से। तो आप क्या देखते हो कि आप मिरर का रिफ्लेक्शन से आप खेल रहे हो या यहाँ पे मिरर के आप रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हो। सन जो है वो आपके घर में आ जाता है उस मिरर के थ्रू, वही है आपको सन यहाँ पे है तो यहाँ पे दिख रहा है। जो मैं खेलने का जो एग्जांपल दिया उसके थ्रू आप देख लो, सन यहाँ है और आपने यहाँ पर अगर मिरर रखा है तो आपको वहाँ दिखेगा। ठीक है, ये था प्लेन मिरर का इमेज जो वर्चुअल बनता है। अब देखो एक्चुअल रे यहाँ पे, ओरिजिनल रे ये है, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे ले जाके, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। इट कांट बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, आप वर्चुअल इमेज को कभी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर पाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की क्या है? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब आप क्या समझते हो? योर लेफ्ट अपीयर्स राइट, आप मिरर के पास इस तरह से खड़े हो जाना और आपने दाहिने हाथ से दाहिने कान को छूना, आपको मिरर में दिखेगा कि आप अपने बाएं हाथ से बाएं कान को छू रहे हो। तो इसका ही मतलब क्या है? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट। यही रीजन है कि जब आप एम्बुलेंस देखते हो तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, मुझे बचपन में नहीं समझ में आता था, आप कभी देखना एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। अब उल्टा मैं लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन आप देखना लेफ्ट टू राइट इस तरह से अपीयर होता हुआ आपको दिखेगा। ए इधर लिखा रहेगा, एम इधर लिखा रहेगा, बी इधर ऐसे लिखा रहेगा, यू एल ए एन सी ई इस तरह से एम्बुलेंस लिखा हुआ रहेगा। क्यों ऐसा लिखा रहता है? ताकि जब आप रियर व्यू मिरर में आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो और अगर बगल से कोई एम्बुलेंस गुजरता हुआ दिखे तो आप अपने रियर व्यू मिरर में जब देखोगे तो वो एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा हुआ दिखेगा और आप उसे साइड दे दोगे, है ना। एम्बुलेंस को हम लोग कभी रोका नहीं करते क्योंकि वो अक्सर इमरजेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए ट्रैफिक रूल्स भी थोड़ा सा लिबरल कर दिया जा रहा होता है। नहीं, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस में आप सोचो कि आपको अगर पता नहीं चलेगा कि पीछे एम्बुलेंस है या एम्बुलेंस अगर सीधा लिख दें तो मिरर पे आपके वो उल्टा लिखेगा, उल्टा दिखेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे उसे पास नहीं दोगे, इसीलिए उसमें उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस। आपने देखा रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, आपने प्लेन मिरर के बारे में तो बहुत अच्छे से जान लिया। आपको इस चैप्टर में मेनली जानना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज। अब प्लेन मिरर तो आप पढ़ते आ रहे हो, इतना भी आपने पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो स्फेरिकल, एक स्फेयर इस तरह से आप कंसीडर करो, ये स्फेयर, इस स्फेयर के आप इस पार्ट को यहाँ से काट लो, बहुत छोटे से हिस्से को आप काट लो, काटने के बाद एकदम इस तरह से काटना वर्टिकली, एक छुरा लिया और इस तरह से स्फेयर पे मारा और ये यहाँ से कट के निकल गया। ठीक है, आप इस पार्ट को यहाँ निकाल लो और निकाल के अगर आप इसके अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करते हो तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स, बाहर वाले पार्ट को अगर आप पॉलिश करोगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव। जैसे देखो इसी मिरर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया है, कॉनकेव मिरर्स आर कर्व्ड इनवर्ड। आप क्या करोगे इसमें? पॉलिश इधर से कर दो, फिर आप इसमें पॉलिश इधर से कर दो,
सेम चीज है, सेम चीज है बच्चे, बस केवल लाइट हम लोग को लेफ्ट टू राइट दिखाना है इसलिए। अच्छा चलो आपको और आसान करता हूँ, ऐसे इसी मिरर को आप इधर से इस बार पॉलिश कर दो अंदर से। यहाँ देखो इसमें आपने मिरर को आउटवर्ड पॉलिश किया, इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया है, मतलब रिफ्लेक्शन अंदर से होना है। इसमें आपने इसके अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया है इसलिए रिफ्लेक्शन इसका बाहर वाला सरफेस करेगा। तो आप जब इस तरह से देखते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप वैरी करा सकते हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैरी करने के कारण ये दोनों अलग अलग तरह के मिरर बन जाते हैं, ठीक है। एक को आप जानोगे कॉनकेव के थ्रू, या एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है। आइए देखते हैं बेटर डिटेल्ड में कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस तरह से बिहेव करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में। तो अच्छे से याद रखना बेटा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था अपने टाइम में, ठीक है, कि कॉनकेव कौन सा है कॉन्वेक्स कौन सा है। ये जिसको आपने आउटवर्ड इस तरह से पॉलिश किया है ये कॉनकेव है, बाहर का जो सरफेस है अगर आपने उसको पॉलिश कर दिया है तो ये कॉनकेव है, और ये अगर कॉनकेव पार्ट बाहर आपने पॉलिश किया हुआ है तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट माना जाएगा। ये वाला जो है रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, मतलब रे अगर आएंगे तो यहाँ पर टकराएंगे इस तरह से, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इसमें आप देखो कि आपने अंदर वाले पार्ट को ही पॉलिश कर दिया, ये कॉनकेव है। अगर बाहर आपने पॉलिश किया तो कॉनकेव है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इंटरलेट करा दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि अब ये कॉनकेव है तो जाहिर सी बात है ये कॉन्वेक्स होगा। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, आपने देखो इस पार्ट को पॉलिश कर दिया अंदर को, अब अंदर से आपने अगर इसे ओपेक बना दिया है तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये माना जाएगा। लेकिन आपको तो पढ़ना है कि लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा, देखो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके आप ऐसे देखो, आप इसे ऐसा बना दो ऐसे, और इसके अंदर वाले पार्ट को इस तरह से आप पॉलिश कर दो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में जान लिए। अब इसका छोटा सा एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ से बताता हूँ। आपने घर में चम्मच तो देखा होगा, स्पून, ठीक है, स्पून आप उसमें सूप लेते हो, इस तरह से उठाया सूप, और सूप को आप, ठीक है, खाने जा रहे हो तो आप देखो सूप जो स्पून होता है, स्पून का जो ये वाला पार्ट है इनवर्ड्स, स्पून ऐसा होता है ना ऐसा, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट स्पून का, ये कॉनकेव है। आप अपने घर में देखना, जो नया सा स्पून होगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला, उसमें आप अपने चेहरे को देखना, ठीक है, और देखकर कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अंदर वाला जो पार्ट है वो कैसा इमेज आपका बनाता है, और जो बाहर वाला पार्ट है स्पून का ये वाला हिस्सा ये कैसा इमेज बनाता है। दोनों में आप अपने चेहरे को देखना, बिल्कुल स्मूथली पॉलिश्ड एकदम नया वाला स्पून लोगे तो ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है, क्योंकि रफ सरफेसेस जो होता है ना वो लाइट को इरेगुलरली ये कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसलिए वो प्रॉपर इमेज आपका बनाएगा नहीं, या इमेज थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा, तो आप नहीं समझ पाओगे। चम्मच लेना नहीं वाली, और आप उसको इस तरह से देखना, ये कटोरी में भी लागू होता है, कटोरी बिल्कुल छोटी सी कटोरी लेना और उसमें देखना जो कर्व्ड इनवर्ड जो कर्व्ड होगा उसमें आप देखोगे तो अपनी इमेज को बताना कैसा दिखता है, और आउटवर्ड में देखना और तब बताना कैसा होता है। इनवर्ड वाला ही आपका कॉनकेव है, देख रहे हो, स्मूथ का इनवर्ड वाला पार्ट कॉनकेव है, और स्पून का आउटवर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका कॉन्वेक्स का काम करता है, ठीक है। तो आप चम्मच में देखना और देखकर बताना कि इमेज किस तरह का बन रहा है, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टी मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि कॉनकेव जो मिरर होगा वो कैसा इमेज बनाएगा और कॉन्वेक्स वाला कैसा इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स वाला। तो आप कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में जान लिए। अब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में जो टर्म्स होते हैं किस तरह से होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, आप हर एक पार्ट बहुत अच्छे से डिफाइन कर लो। देखो मैंने आपको बताया था ये स्फेयर है, और स्फेयर के एक छोटे से हिस्से को काट कर आप मिरर बनाते हो, ठीक है। तो ये जो स्फेयर है तो उसका कोई सेंटर होता होगा, स्फेयर है तो उसका कोई सेंटर होता होगा। अब अगर कोई सेंटर है तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पे आप रीच करो तो ये रेडियस कहलाता है। सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी मान लो इसे पी है, ये तो ये रेडियस कहलाएगा, रेडियस ये
सेंटर, और ये आपका मिरर है, क्योंकि आपको पता है स्फीयर को काट के मिरर बनाया जाता है, और ये पी पॉइंट है। तो अब आप इसको मिरर के तर्ज पे आप पढ़ेंगे। यहां देखो, पता है ये जो यहां से यहां तक का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी भी मिरर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने दूर से रिफ्लेक्शन होना है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है एपर्चर। क्या कहलाता है? एपर्चर। ये वाला पार्ट जो मैंने यहां एरो से मार्क करके दिखाया है, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक का एपर्चर कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एपर्चर। आगे बढ़ते हैं। एपर्चर, अब देखो जो मिरर है, मिरर का जो बीच वाला पार्ट है आप इसको पी से डिनोट करते हो और इसे कहते हो आप पोल ऑफ द मिरर। इट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर, पोल। यहां पे ये सेंटर, वही यहां पे आपको सी के तौर पे दिखाया जाता है। आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आप रिवीजन के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक या कोई भी रेफरेंस बुक आप खोलना और खोलकर इन सभी टर्म्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लेना, ठीक है। पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही सेंटर है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना जाता है, जिसको कैपिटल लेटर सी से यहां पे डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसे कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस। कैपिटल लेटर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। याद रखें, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह से आपको समझा रहा हूं सिर्फ वही डेफिनेशन है, आप उसी को लिख लेना। आप उसी को जब मान लो कभी, हालांकि एग्जाम से पूछेगा नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति, देखो हम लोग एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ाते, ठीक है। आपको एग्जाम्स में बेटर नंबर लाना है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज लेना है। तो अगर कोई आपसे पूछे या इवन आपको किसी को समझाना पड़ जाए, देखो एडुकेशन बेटा बांटना, यही पर्पस है पढ़ाईगिरी का, कि ज़्यादा लोगों तक एडुकेशन, क्वालिटी एडुकेशन पहुँचे। इसीलिए हम लोगों ने ये पहल छेड़ी है। तो आपका भी यही काम है, पढ़ो और एटलीस्ट 3 से 4-5 लोगों को पढ़ाओ जो एटलीस्ट रिसोर्स नहीं पा पा रहे, जिनके पास नहीं है अवेलेबल, उन तक आप पहुंचाओ। तो अगर आप किसी को पढ़ाओगे, किसी बच्चे को, ठीक है, जिनके पास बेटर एडुकेशन नहीं अवेल हो पा रहा, तो आप उनको पढ़ाओगे तो भाई जाहिर सी बात है क्वालिटी एडुकेशन देना चाहोगे। तो क्वालिटी एडुकेशन तभी देना चाहो दे पाओगे जब आप क्वालिटी एडुकेशन लिए हो। तो इसलिए आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो हर एक चीज़ की। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? जब आप थ्योरीज को बेटर समझोगे। ये आपने पढ़ा, सॉरी मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा था, जब मैंने आपको समझाया बस उसी समझ को डेवलप करके आप उसे लिख दोगे तो डेफिनेशन बन जाता है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको वही बताया, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। एपर्चर आप बता दोगे, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एपर्चर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के जो बीच की दूरी, आप उसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हो। इसका बिल्कुल मिड पॉइंट आप एक चूज करो, ये मिड पॉइंट होगा पोल और सी के बीच का जो मिड पॉइंट है, इसे आप कहते हो प्रिंसिपल फोकस। इसे आप कहते हो प्रिंसिपल फोकस, यहां लिख दे रहा हूं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता है, या फोकस जो है और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। यही है बच्चे पूरी कहानी, आप अच्छे से समझ लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा रेडियस, रेडियस का जो मिड पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, और फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस
फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको आप स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हो, इस डिस्टेंस को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हो। अब थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिकली सोचो तो आप देखोगे ये पार्ट आर था पूरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस आर था, ठीक है। मैंने कहा कि आप इसका मिड पॉइंट लेना फोकस, और फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस को आप लेना एफ। अब देखो आर और एफ में कोई रिलेशन है, आप कहोगे एफ जो है वो आर का जस्ट हाफ है, यही रिलेशन है, फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आज के सेशन में आप इतना ही पढ़ोगे, एक बार जल्दी से रिकॉल करा लेते हैं क्या क्या था। लाइट का डेफिनेशन आपने पढ़ा, गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। आपने जाना प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बहुत सारे आपको बताए, ठीक है, एक बार दोबारा इसे रिकॉल कर लेना। आपने जाना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने जाना मिरर्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, और मैंने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज भी बताए कि वो किस तरह के इमेजेस को बनाता है। स्फेरिकल मिरर्स आपने देखा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, याद रखना स्पून का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव, बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि किस तरह की इमेज है ना। हो सकता है कोई स्पून का अंदर से आप देखो वो आपको पता नहीं, कोई मोटा बना दे, कोई छोटा बना दे, कोई पतला बना दे, तो इस तरह का जो आप फीचर देखते हो आप कमेंट करना। आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में आपने जान लिया, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स आपने जाना, ये कुछ टर्म्स हैं, ऐसे आप देखोगे तो शायद कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप उसको बैक कर करके देखना, तो सारे टर्म्स आपके इंटरलिंक्ड हैं और प्रॉपरली डिफाइंड है, और डेफिनेशन इसे लिखने की कोशिश करना अपने पेज में। एक और बात, साइंस को पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि आप क्या करना, पहले तो प्रीवियस, हालांकि ये तो पहला सेशन है, तो जब नेक्स्ट सेशन आप अटेंड करोगे तो इस जो सेशन का जो लेक्चर होगा उसे ज़रूर देख कर आना, या देख कर आप एक नोट बना लेना ताकि आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी रहे, ठीक है। एक रिवीजन कराना और एक आप खुद से रिवाइज करके आओगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा। तो आगे के सेशन में आप पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, किस तरह से इमेज बनता है, और यही मेरा मकसद है कि इमेज फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लो, समझ जाओ। उसके लिए ये छोटी 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 जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे के लिए लेक्चर के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक, तब तक के लिए बाय।